आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे कहा था ना कि कल मैं एक्टिविटी कराऊंगी, तो आज मैं एक एक्टिविटी करा रही हूँ जो आपकी बुक से रिलेटेड है। कि जैसे आपके स्कूल में कोई बाल मेले का आयोजन किया जाए, यानी कि चिल्ड्रंस फेयर्स का, तो उसके लिए सबसे पहले आपका होता ऑब्जेक्ट, फिर प्लान, फिर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य, योजना और उद्देश्य की प्राप्ति। इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज्ड चिल्ड्रंस फेयर, हमें उसका बाल मेले का आयोजन करना होगा, और प्लानिंग ऑफ चिल्ड्रंस फेयर और उसकी प्लानिंग करने की योजना बनानी होगी। इससे क्या होगा, एक तो लर्न अबाउट मेकिंग पेमेंट्स, हम लेन देन सीखेंगे, और साथ में प्लस हमारा एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन भी होगा। उन सब के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी एकत्र करनी होगी। जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, वॉट, हु, वैन, वेयर, हाउ, हाउ मच, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और कितना। अब इसमें प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंस ऑफ चिल्ड्रंस फेयर क्या, में बाल मेले की क्या व्यवहारिकता हो, कौन वो करेगा, उसमें करेंगे पार्टिसिपेट यानी कि जो प्रतिभाग करेंगे बच्चे, और वैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस फेयर, बाल मेले का आयोजन करना, और कहाँ, प्लेसेस भी होना चाहिए कि कहाँ करेंगे, वेयर स्थान भी होना चाहिए, हाउ, उपलब्ध साधन कौन से होंगे, अवेलेबल मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइज फेयर कौन कौन से होंगे, हाउ मच, अनुमानित व्यय, पॉसिबल एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, ये सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा एस्टिमेशन बैठता है, मूल्यांकन। वेदर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग चिल्ड्रंस फेयर वॉज प्रैक्टिकली यूजफुल इन द रियल सेंस, क्या वास्तव में बाल मेला करवाना व्यवहारिक था, वेदर रियल एक्सपेंडिचर वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, वास्तविक व्यय अनुमानित व्यय से कितना अधिक रहा, वॉट रिफॉर्म्स मे बी इंट्रोड्यूस इन फ्यूचर प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट, प्राप्त अनुभव के आधार पर भविष्य की योजनाओं में क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं। एक नोट दे रखा है, हेल्थ कैंप शुड ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज इन स्कूल इन द सेम वे एज अ चिल्ड्रंस फेयर आर ऑर्गेनाइज, वी मे लर्न अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस एंड द प्रिवेंट ऑफ डिजीजेज इन सच हेल्थ कैंप। विद्यालय में जिस प्रकार आपने बाल मेले का आयोजन किया, उसी तरह स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य शिविर में स्वच्छता की अवधारणा एवं आवश्यकता, अस्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों के बारे में भी जाना जा सकता है। वॉट हैव यू लर्न, आपने क्या सीखा। For the successes of any planning, we have to assessional answer the questions like what, who, when, etc. We may fail if we do not answer such question. किसी भी योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि योजना से संबंधित क्या, कब, कौन, कैसे, इन सारे प्रश्नों को समझा जाए। यदि इसमें से कोई भी बिंदु छूट जाए तो वो जो योजना होती है वो फेल हो जाती है, यानी कि असफल हो जाती है। इस प्रकार यह आपकी प्लानिंग वाला है कि ऑब्जेक्ट, प्लान और अचीवमेंट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से करना चाहिए, इनसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये आपका चैप्टर आज यहीं कंप्लीट हो गया है।